गाइस, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस वेलकम्स यू इन माई चैनल. इन माई अर्लियर वीडियो आई एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग एंड इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द सेकेंड पोर्शन दैट इज आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. आज मैं जिसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, तो बड़े ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही आसान है. और इसके बाद में देखिए, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको इसके क्वेश्चंस आंसर्स सब कुछ डिस्कस करूँगा, पहले की तरह जैसे फर्स्ट चैप्टर के किए थे. तो गौर से एक बार देखते रहें, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कि यदि कोई आपको मुझे सजेशन देना है या कुछ और बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी बात को सुनूंगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा. हाँ, यदि एलिजिबल है तो देखते हैं कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार. इसमें क्या है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा उसको समराइज कर दूँ बहुत थोड़े शब्दों में. मुकेश नाम का एक लड़का है जो कि फिरोजाबाद में रहता है, और फिरोजाबाद आप सभी जानते हैं कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. वहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती हैं, बैंगल्स आर प्रिपेयर्ड देयर. तो मुकेश कुछ अलग हट करके सोचता है, वो सोचता है क्या, वो कहता है कि मैं एक कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ड्राइव करना चाहता हूँ कार को. और इसी में वो इससे लेखक से मिलता है, तो लेखक उसके घर भी जाती है. खैर, कुल मिलाकर के बात ये एंड में यही होता है कि मुकेश इसी बात पर इंसिस्ट करता है. लेखक बाद बीच में उसकी दादी से भी मिलती है, उसके घर में अन्य सदस्यों से मिलती है, सबको देखती है, और लास्ट में जाकर के मुकेश केवल इसी बात पर जोर देता है कि मैं एक कार का मैकेनिक बनना चाहता हूँ. हालांकि बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन फिर भी वो सोचता है. तो वर्ड बाई वर्ड अब हम इसको देखते हैं क्या. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश अपना खुद का मालिक बनने की इच्छा करता है, जोर देता है उस पर, इंसिस्ट. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, और घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. तो मैंने पूछती हूँ उससे कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, कारों के बारे में तुम्हें कुछ पता है. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स. तो उसका उत्तर सीधा होता है कि मैं एक दिन कार चलाना सीख ही जाऊंगा, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज. और कब देता उस उत्तर, वो बिल्कुल सीधा मेरी आंखों में देखता हुआ इस उत्तर को देता है. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स. तो उसका जो सपना है वो लूम्स लाइक ए मिरेज. मिरेज क्या होती है, एक मृग तृष्णा जो रेगिस्तानों में बनती है, तो उसी की तरह लूम कहते हैं धूमिल हो जाना, ओझल हो जाना. उस धूल में जो कि फिरोजाबाद की गलियों में भरी हुई है, तो उसका सपना जो है उस गलियों में ही धूमिल हो जाता है. कौन सी गलियों में, फिरोजाबाद की में, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स. फिरोजाबाद में हर परिवार चूड़ियाँ बनाने के धंधे में लगा हुआ है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ग्रोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसिस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ये जो फिरोजाबाद है, भारत का जो कांच के उद्योग का, ग्लास के उद्योग का केंद्र है, जहाँ पर बहुत से परिवारों ने भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए उन कांच को वेल्ड करते हुए, यानी कि यहाँ की सभी औरतों की चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियों को गुजार दिया है. हैव स्पेंट जनरेशंस, पूरी पीढ़ियों को गुजार दिया है. मुकेश फैमिली इज अमोंग देम. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर्स. उनमें से कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों के लिए ऊँचे टेम्परेचर पर वाली भट्टियों में काम करना और इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और छोटी छोटी जो उनके कमरे बने हुए हैं, कोठरियाँ हैं जिनमें ना तो हवा है और ना लाइट है, दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, और यदि कानून अपना लिया जाए, कानून को मान लिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. तो यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो उसे वह उस जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से बाहर निकाल सकता है, जहाँ वे दिन के समय कठिन मेहनत करते हैं और प्राय अपनी आँखों की रोशनी को
खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो मुकेश की जो आंखें हैं चमकने लगती हैं जब वह अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, जिससे वह गर्व से ये कह रहा है कि यह दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, है हम स्टिंकिंग बदबू मारती हुई स्मेलिंग, तो हम बदबू मारती हुई जो कचरे से भरी गलियां हैं उनमें से होते हुए पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग, उन घरों को पार करते हुए जहाँ दीवार जो है मात्र खंडर मात्र रह गई हैं, होवल्स कहते हैं झोंपड़ी टाइप जो होते हैं, जो एक झोंपड़ी टाइप होती हैं, उनको हमने पार किया। वॉबली डोर्स, जिनके दरवाजे कैसे हैं वॉबली, हिलते जुलते, नो विंडोज़, उनमें कोई खिड़कियाँ भी नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेबल स्टेट, और जिसमें परिवारों में कौन कौन, जिनके परिवारों में पशुओं की भीड़ के साथ साथ भाई वहाँ लोग भी रहते हैं पशु भी रहते हैं, और कैसी स्थिति में रहते हैं, इन प्राइमेबल स्टेट, जैसे अति प्राचीन अवस्था में लोग रहते थे उसी प्रकार से आज भी वो रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे एक घर के बाहर वो रुक जाता है। बैंग्स ए रॉबी आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से क्या करता है वो, अपने पैर से एक हिलते हुए दरवाजे पर दस्तक देता है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धकेल कर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम एक अधूरी बनी हुई झोंपड़ी में दाखिल होते हैं। सैक कहते हैं झोंपड़ी के लिए, हट के लिए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, इसमें एक हिस्से में जो कि सूखी घास से ढका हुआ था, थैच मीन्स ढका हुआ, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स, लकड़ी से जलने वाला एक चूल्हा रखा हुआ है जिस पर पालक उबलते हुए एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़े से बर्तन में, एल्यूमिनियम का जो बड़ा बर्तन है उसमें क्या रखा हुआ है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई और ज़्यादा सब्जियाँ रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, तो एक पतली सी औरत जो सारे परिवार का भोजन, फ्रेल कहते हैं पतली के लिए, थिन के लिए, तो वो सारे परिवार का भोजन बना रही है। थ्रो आई फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, धुएं से अपनी भरी हुई जो आँखें थीं उनके साथ ही वह मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश इज एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है अर्थात उसकी भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उम्र में वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उम्र में बहुत अधिक नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन वह एक बहू होने का सम्मान प्राप्त करने लगी है उस घर में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू होने का सम्मान। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द ऑफ थ्री मैन, ऐसा घर जो पहले से ही तीन आदमियों के द्वारा चलाया जा रहा है। वो तीन आदमी कौन कौन हैं, हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, उसके पति का भाई एंड देयर फादर, और उनका पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और देखिए जब वो वृद्ध व्यक्ति अर्थात सबसे बड़ा व्यक्ति अर्थात उनका फादर घर में आता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह बड़ी भद्रता से, बड़ी शालीनता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को अपने चेहरे से सटा लेती है अर्थात अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, और जैसा कि रिवाज होता है, कस्टम कहते हैं रिवाज के लिए, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो घर की बहुएँ होती हैं अर्थात पुत्र वधुओं को घर के जो बड़े आदमी होते हैं उनके सामने घूंघट कर लेना चाहिए, ऐसा होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिस्ट बेंगल मेकर, और इस मामले में ये जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है, इम्पॉवरिस्ट गरीब। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और सालों तक कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज टेलर, शुरू में वो टेलर का काम करता था, देन ए बेंगल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने वाले का काम किया उसने, ही फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो एक घर तक नहीं बना सका, इवन
सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने दो बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज सका। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, केवल उसने उनको क्या पढ़ाया, जो कुछ वह जानता था, जो कुछ वह कर पाया था उनके लिए वो यही था, उसने उनको वो सब सिखाया जो उसको खुद आता था। और वो क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला उनको सिखा दी। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेशिस ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। तो एक यहाँ पर एक कोट आता है ये कि यह उसका कर्म है, उसकी किस्मत है। इस बात को कौन कहता है, मुकेश की दादी कहती है, जिसने जो अपने पति को कांच की चूड़ियों पर पॉलिश चढ़ाते हुए अंधा होते हुए देख चुकी थी। गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों पर पॉलिश चढ़ाते चढ़ाते उसको अपने पति को अंधा होते हुए वो देख चुकी थी। कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन सिंप्लाइज, और वो अर्थ प्रकट करके कहती है कि क्या ईश्वर के द्वारा दी हुई लाइन को भी तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड इन द एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी सीट इन फिरोजाबाद। और एक बात और कहती है वो कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर उन्होंने सिवाय चूड़ियों के कुछ नहीं देखा, चूड़ियाँ भी कहाँ कहाँ बट बैंगल्स इन द हाउस, घर में चूड़ी, यार्ड में चूड़ी, दूसरे हाउसेस में चूड़ी और अलग यार्ड में चूड़ी, यहाँ तक कि फिरोजाबाद की गली गली में चूड़ियों को उन्होंने देखा। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल कहते हैं किसके लिए, जो कि एक तरह से घुमावदार जो होता है, घेरेदार जो होता है, तो चूड़ियों के जो घेरे थे जिसमें अलग अलग तरह के रंग भी थे, कैसे थे, सनी गोल्ड सुनहरा रंग का, पैडी ग्रीन धानिया रंग का, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, तो जो प्रत्येक कलर था वो इंद्रधनुष के सातों रंगों से बन सकता है, ऐसे कलर उन्होंने लगा रखे थे। लाई इन द माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द सेंटी टाउन। और एक बात और, ये जो इंद्रधनुष के सातों रंग से बन सकता है, उनमें बिखरे हुए आंगन में ढेर लगे हुए हैं, जो कि जो चार पहिए वाली जो हाथ से, ये लिखा हुआ है ना, हैंड कार्ट्स, हाथ से चलने वाली जो गाड़ियों में ढेर लगे हुए हैं, जिनको पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द सेंटी टाउन, जिन्हें जो नौजवान लोग हैं झुग्गी वाले शहर की तंगलियों में धकेलते रहते हैं, उन पर भी, उन गाड़ियों पर भी ढेर लगे हुए हैं। एंड इन डार्क हटबेंड्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और एक बात और, जो अंधेरी झोंपड़ियों में जो जलते हुए तेल के लैंप हैं, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो जलते हुए तेल के लैंप हैं, उनके पास कतार में बैठे हुए लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ रंगीन जो चूड़ियों हैं उनको वेल्ड करते रहते हैं और वहीं पर बैठे रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आँखें बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंदर का जो अंधेरा है उसमें ज़्यादा एडजस्ट होती है, उससे तालमेल उनका ज़्यादा अच्छा है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही कारण है कि उनकी आँखें किशोर अवस्था से पहले ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। सविता, अब एक बात और देखिए, अब एक गर्ल का जिक्र आया इसमें कि सविता ए यंग गर्ल इन ड्रेव पिंक ड्रेस, हाँ सविता जो कि एक जवान लड़की है जिसने बादामी गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वूमेन, वो उस वूमेन के पास जो वृद्ध औरत है उसके पास बैठती है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास और कांच के टुकड़ों को जोड़ती रहती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन आई वंडर इफ सी नोज द सैनिटिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, और जब उसके हाथ एक मशीन के चिमटों की तरह चलते हैं तो मुझे हैरानी होती है कि क्या जिन चूड़ियों को वो बना रही है, इफ सी नोज है, क्या उनकी पवित्रता को, सैनिटिटी कहते हैं, सैनिटिटी पवित्रता, क्या उनकी पवित्रता को वो जानती है कि कितनी पवित्र चूड़ियाँ हैं वो। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स
सुहाग। ये जो चूड़ियाँ होती हैं एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ये जो चूड़ियाँ होती हैं भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में पवित्रता की निशानी होती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। और एक दिन उसको यह तब पता चलेगा जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, उसके हाथ में रेड विद हिना, हाँ उसके हाथ मेहंदी से रंगे होंगे, लाल होंगे और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में होंगी, तब उसको पता चलेगा। सी विल बिकम देन ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की तरह जो पहले कभी बनी थी वर्षों पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ तो हैं बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आँखों में वो अब चमक नहीं है, आँखों में चमक नहीं है, हाथों में चूड़ियाँ जरूर हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, है बिल्कुल ना खुश होती हुई आवाज़ में कहती है कि पूरा जीवन निकल गया, एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं मिला। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कहने का मतलब उसने पूरे जीवन में कभी पेट भर के खाना खाया ही नहीं। दैट वाट्स सी हैज़ रीप्ड, और कहती है क्या यही है जो उसने अब तक कमाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, और जो उसका हस्बैंड है जो उसको बढ़ती हुई डाली, जिसकी डाली बढ़ रही है और थोड़ी सी हिल रही है, वो क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, जो कुछ मैंने पूरे जीवन में किया है वो क्या है, केवल अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाया। हियरिंग हिम, उसको सुनकर के वन वंडर्स, किसी को भी हैरानी हो सकती है, होती है। और इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने वो प्राप्त कर लिया है जो अन्य लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके कम से कम एक ऊपर सिर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन दो टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, जो चूड़ियाँ बनाने के धंधे को जारी रखने के अलावा किसी भी चीज़ के लिए पैसा ना होने की चिल्लाहट हर घर में गूंजती है। मीन्स बेशक इस चीज़ के लिए पैसा है या नहीं, लेकिन चूड़ियाँ बनाने के लिए पैसा ज़रूर होना चाहिए, केवल इसी की चिल्लाहट पूरे हर घर में वहाँ पर गूंजती है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, हैं समय के साथ साथ बहुत ही कम चीज़ वहाँ पर गुजरी हैं, समय के साथ वहाँ पर बहुत ही कम चीज़। आई मिस्ड सम वर्ड्स, द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, तो जो नवयुवक हैं वो भी बड़ों की तरह ही दुख व्यक्त करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, सालों की जो दिमाग को सुन्न कर देने वाली कठिन मेहनत है उसने सभी को और स्वप्न शक्ति को ख़त्म कर दिया है। सभी जो पहल करते इनिशिएटिव लेते उसको भी ख़त्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, तो कहती है कि मैंने एक नौजवानों के समूह से ये पूछ लिया जो कि जो मिडल मैन जो कि बिचौलिए थे उनके चंगुल में फंस गए थे, जिन्होंने उनके हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को भी और उनके जो पूर्वज थे उनको भी फंसा लिया था, उनसे मैंने पूछा वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आप अपने आप को इकट्ठा करने के लिए कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाई द पुलिस बीटेन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दे से, तो उनका ये कहना था कि यदि हम संगठित भी हो जाते हैं तो पुलिस हमें ही घसीटती है, विल बी होल्ड बाई द पुलिस, और हमें ही फिर
ब्रिटेन पीटती है, ड्रैग टू द जेल, जेल में धकेल देती है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने के जुर्म में, यदि हम ऐसा करते हैं तो. देर इज़ नो लीडर एमोंग देम, उनके बीच में कोई लीडर भी नहीं है, उनका कोई नेता भी नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी कुछ अलग तरह से देखने में सहायता कर दे, ऐसा कोई नहीं है उनके पास. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, हैं उनके पिता भी इतने थके हुए हैं जितने कि वे खुद हैं. दे टॉक एंडलेसली टू ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, हैं वे न खत्म होते हुए भी एक चक्कर में बातें करते हैं, एक चक्कर की ऐसी बात करते हैं कि जो उनकी गरीबी से होती हुई उनकी दयनीयता, लालच और अन्याय तक चलता रहता है. लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, हैं मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई पड़ते हैं. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो कि गरीबी के वेब में अर्थात जाल में फंसे हुए हैं. बर्डनड बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उस जाति के धब्बे के नीचे, स्टिग्मा कहते हैं मार्क धब्बा जिसमें वो पैदा हुए हैं उसके नीचे दबे हुए हैं. द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और दूसरा जो साहूकारों का एक घेरा बना हुआ है जिसमें द मिडिल मैन बिचौलिए हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह हैं, और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस माने तो राजनीति के लोग भी हैं, एक उनका वो ग्रुप बना हुआ है. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उन सभी ने मिल करके एक साथ सारा भार बच्चों पर डाल दिया है, जो उसे उस बच्चे पर डाल दिया जो उतार नहीं सकता है किसी कीमत पर उसको. बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले जब वह जानकार हो जाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो उसी प्रकार उसको स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके फादर ने स्वीकार कर लिया था. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ भी करने का मतलब होता है कि साहस कर लेना. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसके बड़े होने का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है. वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने मुकेश के अंदर एक ऐसी चमक देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई. आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा. बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से काफ़ी दूर है. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वो जोर देकर कहता है कि नहीं मैं चल कर के ही जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, ही सडनली साइलेंट नो, तो जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी सपना देख सकते हो, देखा है तुमने, तो अचानक वह साइलेंट हो जाता है और कहता है कि नहीं. ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, है जमीन पर नजरें गड़ाते हुए कहता है कि नहीं वो सपना मैंने नहीं देखा. इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बरेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रेग्रेट, तो उसकी जो छोटी सी आवाज़ थी उसमें एक निराशा है, उसमें एक थोड़ा सा एम्बरेसमेंट, एक व्याकुलता है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है बिल्कुल भी. ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो केवल कार का सपना देखने में ही, कारों के सपने से ही संतुष्ट है. दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन टाउन, कौन सी कार जो वह अपने शहर में ही दौड़ती हुई देखना चाहता है. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर कुछ एरोप्लेन्स उड़ते हैं. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. आई थिंक यू मस्ट हैव ग्रेस्प्ड द स्टोरी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर यू. नाउ गुड बाय, थैंक यू.